नमस्कार, सुनीतास किचन में आपका स्वागत है। आज हम अंकुरित अनाज का नाश्ता आपके लिए लेकर आए हैं। मूंग, मसूर, चना, इनको हमने अंकुरित कर लिया था, इसका नाश्ता हम तैयार करेंगे। बहुत ही बढ़िया यह सुबह का नाश्ता है, आप इसे जरूर बनाकर खाएं। तो चलिए, ये कैसे बनाया जाता है देखते हैं। आज हम आपके लिए स्प्राउट, ये मूंग और ये मसूर और ये चना, इन सभी को हमने स्प्राउट कर लिया है और इसका हम नाश्ता तैयार करेंगे। ये काली मसूर है, इसको हमने अच्छी तरह से साफ कर और रात भर के लिए हमने इसको भिगो कर रख दिया था। इसी तरह से खड़ी मूंग को भी और ये चना, इन सभी को हमने एक रात के लिए अच्छी तरह से साफ कर धोकर भिगो दिया था। फिर सुबह इसका पानी निकाल दिया है और इसको 24 घंटे के लिए हमने ढककर रख दिया था। तो ये देखिए, इस तरह से ये सब अंकुरित हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ये अंकुरित हुए हैं। गैस खोल दी है, कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब हम इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, दो चुटकी हींग और अदरक को भी हमने छोटा छोटा काट लिया है, ये इसमें भून लेंगे। अदरक हम अच्छी मात्रा में डालेंगे, इसका स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमने थोड़ी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा रखी है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी भी हमारी भुनकर तैयार है सभी चीज़। और हमने यहाँ पे ये दो टमाटर लिए हैं, इनको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे और हम टमाटर को भी पका लेंगे। नमक स्वाद अनुसार और इसको फ्लेम को हम लो कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसमें टमाटर को पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, खोल कर देखते हैं। ये देखिए, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये जो हमारी अंकुरित अनाज था, चना, मूंग और ये मसूर की दाल, इन सभी को हम इसमें डाल देंगे और फिर मिला लेंगे। और इसमें हम 1/4 गिलास पानी डालकर इसको लगभग 7-8 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। खोल कर देखते हैं और इसको देखते हैं पका कि नहीं। हाँ, ये देखिए, मूंग भी पक गई है और ये चना भी, ये देखिए दब रहा है, ये पक गया है। इसको हमने 10 मिनट पकाया, फिर उसके बाद 5 मिनट और हमने पकाया, ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। अब हम इसमें कुछ मसाले हैं वो मिला लेंगे। इसमें हम आधा नींबू का रस डालेंगे और आधा चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। हरा धनिया, अब इन सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब हम इसको ऊपर से सजा लेते हैं ताकि ये देखने में सुंदर लगे। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, हमने मिर्च पहले नहीं डाला था, अदरक, इसके हमने पतले पतले स्लाइस काट लिए हैं, थोड़ा सा काला नमक और इसमें आलू भुजिया, आलू भुजिया डाल के खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये अंकुरित अनाज का हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही, देखने से देखे कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही ये टेस्टी भी है, बहुत ही पौष्टिक है। आप इसे ज़रूर बनाकर खाएं, सुबह के नाश्ते में आप इसे बनाकर खाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने देखा ये नाश्ता हमारा कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। आप इसे जरूर बनाकर खाएं, अपने नाश्ते में इसे शामिल करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।